तो आप देख सकते हैं ये एकदम परफेक्ट हलवाई की तरह गुलाब जामुन बनकर तैयार है, एकदम बड़ा बड़ा फूला फूला और एकदम सॉफ्ट हो गया है ये गुलाब जाम। चाशनी जो है इसके अंदर तक चली गई है, परफेक्ट। गुलाब जामुन अलग अलग वेरिएशन से बनाया जाता है, जैसे कि सूजी के गुलाब जामुन, ब्रेड के गुलाब जामुन, मावा, खोया, पनीर के गुलाब जामुन। तो आज हम ये सुपर सिंपल तरीका देखेंगे, फुल प्रूफ रेसिपी देखेंगे कि गुलाब जामुन कम से कम एफर्ट में बन जाए और परफेक्ट हलवाई की तरह। तो सबसे पहले चाशनी बनाकर तैयार रखेंगे। तो 1 कप चीनी मैं इस पैन में डाल रही हूँ, उसमें आधा कप पानी, और अगर आप चाहिए तो कार्डमम पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरा कार्डमम ही इसमें डाल रही हूँ। उससे क्या होता है ना, इसका कलर नहीं चेंज होगा और कार्डमम का स्वाद भी इस सिरप में, इस चाशनी में आ जाएगा। अब हम जब तक ये चीनी घुल ना जाए तब तक इसे बॉईल करेंगे। चीनी अच्छे से घुल गई है, अब हम बस 5 मिनट तक इसे बॉईल कर लेंगे। हमें कोई भी थिक, सुपर थिक चाशनी नहीं बनानी, बस थोड़ा सा स्टिकी हो जाए, सिंपल शुगर सिरप बनाना है। ये बस हल्का सा स्टिकी हो जाए फिर मैं गैस बंद करूँगी। इसमें थोड़ा सा केसर डाल ही देती हूँ, आप इसे मिक्स करेंगे बस। अब और 2 मिनट में इसे बॉईल करूँगी। 5 मिनट तक बॉईल किया है मैंने, अब मैं गैस बंद करूँगी और अब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं हुई है, बस हल्का सा स्टिकी हुआ है, ये सिरप ट्रांसपेरेंट ही है। बस अब हाथ में लेते तो थोड़ा थोड़ा चिपक जाता है, दैट्स इट। इतना ही हमें इसे कुक करना है। चाशनी तो बन के तैयार है, अब गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें चाहिए 1 कप मिल्क पाउडर, इसमें जाएगा 1/4 कप मैदा। अब मैदा और मिल्क पाउडर और उसी में बस 1 पिंच नमक, सॉल्ट, ये अच्छे से मिला लेंगे। लवली। अब हम इसमें डालेंगे बस 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, जो हम केक में यूज़ करते ना वो वाला बेकिंग पाउडर, ये भी अच्छे से मिला लेंगे। और फिर इसमें जाएगा 2 चम्मच घी, देसी घी, 1 और 2। तो अब ये घी मिल्क पाउडर हम इसे मसल लेंगे, मिल्क पाउडर के साथ ये घी अच्छे से मसल लेंगे जब तक ये ब्रेड क्रम जैसा न दिखे, कुछ इस प्रकार इसे मसाज देना है बेसिकली। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दिख रहा है ना, परफेक्ट ब्रेड क्रम की तरह। अब हम इसमें डालेंगे दूध थोड़ा थोड़ा, तो ये गुनगुना वार्म दूध है, और इसका आटा बना लेंगे, डो बना लेंगे। ज़्यादा दूध एक समय नहीं डालना है, बस मैंने अब यहाँ पर 1 चम्मच ही दूध डाला है। अब ये आटा गूंथकर तैयार है और आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट आटा मैंने बनाया है, ताकि हम जब गुलाब जामुन बनाएंगे तब इसमें क्रैक नहीं आएंगे। तो 1/4 कप दूध इसमें मैंने पूरा यूज़ किया है। अब हम इसके छोटे छोटे गुलाब जामुन बना लेंगे। ऐसे ही मसालेदार और जायकेदार रेसिपीज के लिए मधुराज रेसिपी को YouTube पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए। गुलाब जामुन यहाँ पर बनकर तैयार है और तेल भी मैंने हल्का सा गरम करके लिया है। एकदम लो हीट पर हम ये गुलाब जामुन फ्राई करेंगे। ध्यान रहे हीट एकदम लो है। और हम जब ये गुलाब जामुन फ्राई करते ना एकदम लो हीट पर, तब इसे ऐसे रोटेट करना है ताकि ये एक जैसे फ्राई हो जाए। अब ये मेरी स्टील की कढ़ाई है,
और ऊपर से इंडक्शन है तो वो थोड़े से हल्के से नीचे चिपक गए, लेकिन कोई बात नहीं, आप देख सकते तेल में डालने के बाद ये अच्छे से फूल गए, गुलाब जामुन अच्छे से फूल गए। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं इतने साइज के मैंने गुलाब जामुन बनाए थे, छोटे छोटे, और ऑलमोस्ट डबल तेल में ही हो गए। तो चलिए, गुलाब जामुन हमारे फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं एकदम फूल गए। मैं वापस दिखाती हूँ, इस साइज के गुलाब जामुन बनाए थे, तेल में डालने के बाद ये ऑलमोस्ट डबल हो गए। अब तेल में से हम टिश्यू पेपर पर नहीं निकालेंगे, सीधा ये चाशनी है इसमें डालेंगे, और ये चाशनी भी गर्म है, ठंडी नहीं है। मैंने वापस इसे एक बार गरम कर लिया। सुपर, देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है। अब इसे ढककर रखेंगे और वापस में अगले गुलाब जामुन फ्राई कर लेते हैं। अब ये नेक्स्ट बैच भी हमारी फ्राई होकर अच्छे से तैयार है, ये भी जाएगी सीधा चाशनी में। और ये अच्छे से मिला लेंगे। अब आप देख सकते हैं एकदम फूल गए हैं गुलाब जामुन चाशनी में भी। अब हम क्या करेंगे ना, बस 2 मिनट के लिए गैस स्टार्ट करेंगे चाशनी का, और ढक्कन रखकर इसे कुक होने देंगे, बस 2 ही मिनट। 2 मिनट हो गए, अब मैं गैस बंद करूंगी, और अब ऐसे ही हम इसे कम से कम 1 घंटा सोक करने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए, गुलाब जामुन लगभग मैंने 1 घंटा रख दिया था सोक करने के लिए, और परफेक्ट दिख रहे हैं एकदम। चलिए, एक मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं एकदम फूल चुका है, एकदम सॉफ्ट हो गया है ये गुलाब जाम, परफेक्ट। सब गुलाब जामुन एकदम फूल गए सिरप में, लवली। रेसिपी अच्छी लगी, यूट्यूब पर मधुराज रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।